बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अल्पाइन एकेडमी। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोर, इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास 9, अपडेटेड बुक फॉर द सेशन 2022-2021। इंग्लिश बुक 1 फॉर क्लास 9। यूनिट 5, हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेगमेंट कर रहे हैं 5.1, और इसमें हम सारी एक्सरसाइजेज इसके सॉल्व करेंगे। यूनिट 5.1, रीडिंग टेक्स्ट, हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, ऑल एक्सरसाइजेज। यूनिट 5.1, व्हाइल रीडिंग टेक्स्ट हमने पढ़ा सारा, एक्सरसाइज वन हम इसको करते हैं। टेक द राइट आंसर द टेक्स्ट इज अबाउट। इनमें से टेक्स्ट जो चैप्टर आपने पढ़ा है वो किस बारे में है, कौन सी ऑप्शन है जो उसको रिलेट कर रही है। ऑप्शन ए देखिए, द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो, मच्छर का लाइफ साइकिल है इसमें, या फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजरस मॉस्किटोज, मच्छरों की मुख्तलिफ किस्में बयान है या इसमें, या फिर डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटोज, मॉस्किटो की वजह से जो बीमारियाँ होती हैं उनका उनके बारे में है, या फिर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स फॉर मॉस्किटो कंट्रोल। तो इसमें से ऑप्शन सी आंसर है, डिजीज कॉज्ड बाय मॉस्किटो। सो टेक द ऑप्शन सी। यूनिट 5.1, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज 2, सर्कल द डिजीज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट हमने पढ़ा, उसके अंदर जिन बीमारियों का जिक्र आया है आपने इनमें से उनको सिर्फ सर्कल करना है, ठीक है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस, हेपाटाइटिस, ये सब डिफरेंट बीमारियां डिजीज़ के नेम लिखे हुए हैं। तो इसमें से देखिए कि सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम मलेरिया, डेंगी, इन दोनों को सर्कल करें। इसके अलावा थर्ड कॉलम में आ जाइए, यहाँ पे चिकनगुनिया है, ये तीनों बीमारियों का जिक्र है, इन तीनों को आप सर्कल करें। इसके अलावा सेरेब्रल मलेरिया, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया चैप्टर में, लेकिन इस ये मेंशन था एक जगह पे, इसको थोड़ा सा मतलब मेंशन किया गया था हल्का सा, इसको भी सर्कल कर सकते हैं आप। यूनिट 5.1 एक्सरसाइज 3 वोकैबुलरी की है। इन वर्ड्स के मीनिंग आपने सर्च करने हैं, जैसे आप पिछले यूनिट्स में भी करते हो। पहले आप सर्चिंग करें और फिर स्टूडेंट्स के साथ टैली भी करें और इसको रीचेकिंग भी करें। Read the text, find the following words and underline them. Parasite, क्या होता है? Parasite is an organism that lives on or in an organism of another species, known as the host. यानी यह host body में रहता है, from the body of which it obtains nutrients. तो जिसको उर्दू में तफैलिया भी कहते हैं, राइट। पैरासाइट से नेक्स्ट है चिल्स। चिल्स का मतलब है ठंडा हो जाना, सर्द पड़ जाना या सर्दी लगना। ट्रांसफ्यूजन होता है इंतकाल खून, स्टैग्नेंट होता है रुका हुआ, जो मूव नहीं कर रहा हो, बह नहीं रहा हो एक जगह पे, साकन। डिस्प्ले मतलब शो करना, जाहिर करना, दिखाना। ट्रांसमिटेड का मतलब है पहुंचाना, मुंतकिल करना। कॉन्स्टिपेशन एक डिजीज़ है, नेम ऑफ अ डिजीज़ और प्रॉब्लम, कब्ज। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एन एंटीबॉडी इज़ अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम व्हेन इट डिटेक्ट्स हार्मफुल सब्सटेंसेस कॉल्ड एंटीजन्स। फॉर एग्जांपल, एंटीजन इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कॉन्टेजियस क्या होते हैं? ऐसी बीमारी जो कि किसी की वजह से, मतलब किसी एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो, उसको कहते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? द रिएक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी और इन्फेक्शन बाय हीट, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन। स्वेलिंग को नॉर्मली कहते हैं, मतलब सूजन वगैरह उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है स्लाइवा किसको कहते हैं? लुआब दहन। डिसफंक्शन कहते हैं नकारा, कोई सिस्टम काम नहीं करे प्रॉपरली, इसको बोलते हैं। जैसे सपोज
The kidneys are not working, are not able to filter out waste. This is an example of kidney dysfunction. ठीक है, कोई सिस्टम मुतासर हो जाना, सही प्रॉपरली फंक्शन ना कर पा रहा हो. इम्यून का मतलब है मुदाफ़त, यानी कुव्वत मुदाफ़त. और नौसिया, नेक्स्ट है नौसिया. इसका मतलब है मतली का एहसास, जैसे कराहट, इस तरह का फील होना. इंटेंस है शदीद को बोलते हैं, शिद्दत से. क्लॉट का मतलब है जमना, यानी खून की फ्लुएंसी जो होती है, खून की फरावानी वो प्रॉपर नहीं हो रही हो, या जमने की कैफियत को कहते हैं. डिसऑरिएंटेशन का मतलब है डिसऑरिएंटेशन. इसका मतलब है होशोहवास कायम ना रहना, या माहौल नाशनासी होना, हवास में नहीं रहना. रेस्पिरेटरी का मतलब है अमन तनफ्फुस, यानी सांस लेने का अमल. फेटल का मतलब है मुहलिक, और प्रोनाउंस का मतलब जाना जाना. यूनिट नंबर 5.1 एक्सरसाइज नंबर 4 है वर्किंग पेयर्स एंड सी हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स यू कैन यूज इन योर ओन सेंटेंसेस. द पेयर दैट विल मेक द मोस्ट करेक्ट सेंटेंसेस विल बी द विनर. बस एक एक्टिविटी है कि आप सब मिलके कंपटीशन करो कि कौन अच्छे सेंटेंसेस क्रिएट करता है. लेकिन पर्पस क्या है इसका, कि आपने इन सारे वर्ड्स के सेंटेंसेस बनाने हैं, क्रिएटिव सेंटेंसेस. जो अभी आपने एक्सरसाइज 3 में पढ़े हैं, एक्सरसाइज 3 में जो वोकैबुलरी वर्ड्स आपने देखे हैं, जस्ट अभी एक्सप्लेन हुए. अब एक्सरसाइज नंबर 5 क्या है, रीड द टेक्स्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन. टेक्स्ट के मुताबिक जो ऑप्शन या जो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट में, यानी कि जो चैप्टर आपने रीड किया उसमें लिखी हुई है, उसी को आपने टिक करना है. नंबर 1, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट द एग्जैक्ट डिजीज इज, सो दैट कि किस कोई बीमारी किस वजह से होती है, उसकी वजह क्यों मालूम करते हैं, ताकि क्या हो. ऑप्शन ए है द पेशेंट कैन रेस्ट. ऑप्शन बी, वी कैन टेल एवरीवन अबाउट इट. ऑप्शन सी, इट कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली. एंड ऑप्शन डी इज द पेशेंट कैन डिसाइड व्हाट टू डू. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली. यूनिट नंबर 5.1 की एक्सरसाइज नंबर 5 है, ये कैरी ऑन है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, द मलेरिया पैरासाइट अटैक्स दी. ऑप्शन ए है वाइट ब्लड सेल्स, बी ब्रेन, सी स्टमक, डी रेड ब्लड सेल्स. और इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी रेड ब्लड सेल्स. सो टिक द ऑप्शन डी. नेक्स्ट थर्ड वन इज दैट वंस द डेंगी वायरस एंटर्स द सिस्टम इट अफेक्ट्स द. ऑप्शन ए इम्यून सिस्टम, ऑप्शन बी डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. टिक द आंसर ऑप्शन ए इम्यून सिस्टम. नंबर 4 स्टेटमेंट इज दैट इन सिवियर केसेस ऑफ डेंगी ब्लीडिंग मे अकर इन द. ऑप्शन ए है आइज एंड ईयर्स, नेक्स्ट है ब्रेन, फिर है स्टमक एंड इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और फिर डी ऑप्शन में है गम्स एंड नोज. तो ऑप्शन डी को करेक्ट करें, गम्स एंड नोज. चिकनगुनिया पेशेंट्स यूजुअली हैव फीवर विथ शिवरिंग, रैशेस, ब्लीडिंग, चिल्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी रैशेस. यूनिट 5.1 पोस्ट रीडिंग एक्सरसाइज 6 है रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक्स. बुक का पेज नंबर 114 है, 114. इस पर एक्सरसाइज 6 का जो टेबल दिया गया है, इसमें 1, 2, 3, 4 कॉलम्स हैं और इनके टाइटल्स हैं, जैसे डिजीज, सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, ऑर्गन्स या सेल्स अटैक, सिम्टम्स. अब इसको आपने कम्प्लीटली फिल करना है, जैसे ये चैप्टर पढ़ा, टेक्स्ट को गो थ्रू करें और इसको फिल करें. सपोज यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द डिजीज, लाइक मलेरिया आप लिखो, मलेरिया सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन कहाँ से, मच्छर से होता है, मॉस्किटो. आपने पैरासाइट पढ़ा था, प्लाज्मोडियम. फिर ऑर्गन या सेल्स अटैक, ये किस पे, बॉडी के किस ऑर्गन पे अटैक करता है और इसकी सिम्टम्स क्या हैं. ये सारी चीज़ें आपने टेक्स्ट में पढ़ी हैं, टेक्स्ट को गो थ्रू करें और इसको फिल आउट करें.
एक्सरसाइज नंबर 7 है 5.1 की. डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर पार्टनर एंड राइट डाउन द आंसर्स इन योर नोटबुक. ये सारे सवालात हैं, इनके जवाब आपने कंपोज करने हैं, ठीक है, और उनको अपनी नोटबुक में लिखना है. क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ. नंबर वन क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स. मच्छर के काटने से कौन सी हैं जो आमतौर पर ज़्यादा बीमारियाँ हो जाती हैं, कौन सी ऐसी कॉमन बीमारियाँ हैं उनके नाम बताएं. क्वेश्चन नंबर टू, विच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स हाईली इन्फेक्टेड इन सेरेब्रल मलेरिया. सेरेब्रल मलेरिया के अंदर दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो ज़्यादा मुतासर होता है. नंबर थ्री, व्हाट कैन लीड टू सीवियर लीवर इन्फेक्शन व्हेन वन हैज़ मलेरिया. लीवर इन्फेक्शन मलेरिया में किस वजह से हो जाता है. नंबर फोर है, हाउ इज़ द इम्यून सिस्टम अफेक्टेड थ्रू डेंगी. डेंगी के ज़रिए इम्यून सिस्टम कैसे मुतासर होता है. क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ ऑफन कैन वन गेट इन्फेक्टेड विथ चिकनगुनिया. वाई चिकनगुनिया से कोई कैसे मुतासर होता है, क्यों. नंबर सिक्स, विच टू ऑफ द थ्री डिजीज़ हैव सिमिलर सिम्पटम्स, व्हाट आर दीज. इनमें से दो ऐसी बीमारियां हैं जो आपस में काफ़ी, इनके जो अलामात हैं वो आपस में मिलती हैं, वो कौन सी हैं ये. नंबर सेवन, हाउ ऑफन डज वन हैव फीवर एंड चिल्स व्हेन वन हैज़ मलेरिया. किस कंडीशन में ऐसा होता है मलेरिया के साथ, जब वो बुखार के साथ ठंड भी लग रही हो उसको. नंबर एट, हाउ डू ऑल दीज डिजीज़ अफेक्ट आवर लाइफ. ये सारी बीमारियाँ हमारी लाइफ को कैसे मुतासर करती हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन है, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्राम दीज थ्री डिजीज़. हम किस तरह से अपने आप को इन बीमारियों से महफूज रख सकते हैं, इससे बचाव कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट शुड वी डू इफ़ वी वांट टू रिकवर क्विकली फ्राम दीज डिजीज़. हमें क्या करना चाहिए अगर हम इन बीमारियों से जल्द सेहत याबी चाहते हों. अब ये सारे क्वेश्चन हैं, आपको समझ आई, और बहुत ईजी क्वेश्चन है. इन सब के आंसर्स टेक्स्ट में मौजूद हैं, आप उस खुद इसको कंपोज कर सकते हो, और मॉडल के तौर पे हम इनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करें नेक्स्ट स्लाइड में. यूनिट नंबर 5.1, एक्सरसाइज नंबर 7, आंसर्स. आंसर नंबर 1, द मोस्ट कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स आर मलेरिया, डेंगी एंड चिकनगुनिया. आंसर नंबर 2, brain becomes highly infected due to stoppage of blood flow in cerebral malaria. स्टूडेंट, ये आंसर्स टेक्स्ट में आपको सब एक्सप्लेन किया हुआ है, टेक्स्ट आपने पढ़ा है तो यहीं से लिए. और ये सारे आंसर्स मॉडल आंसर्स हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही लर्न करो, ये आप कर सकते हो, इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हो अपनी वर्डिंग में, अपनी ऑन क्रिएटिव वर्डिंग में आप कंपोज कर सकते हो आंसर्स, ठीक है. आंसर नंबर 3, The plasmodium spreads and infects more red blood cells throughout the body. This killing all the cells, it can lead to severe liver infection. मतलब रीज़न और आंसर यही हैं, चाहे आप यही वर्डिंग में या अपनी ऑन वर्डिंग में इनको मॉडिफाई कर सकते हो आंसर्स को. आंसर नंबर 4, द डेंगी वायरस एंटर्स द बॉडी एंड अटैक्स वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर एंटीबॉडीज, दस अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम. Answer number 5, it is often caused by a mosquito bite. It can spread from an infected person if the mosquito feeds on the infected person first and then bites other people. Exercise number 7 ki answers hain. Answer number 6, both chikungunya and dengue have almost similar symptoms, both display joint pain. इसमें आप बुक से एडिशन भी कर सकते हो, मज़ीद इंफॉर्मेशन इसमें ऐड कर सकते हो आप लोग. आंसर नंबर 7, द मेन सिम्टम्स ऑफ मलेरिया आर चिल्स, शिवरिंग फॉलोड बाय फीवर और स्वेटिंग. दीज सिम्टम्स यूजुअली अकर एवरी 2 days. आंसर नंबर 8, दीज डिजीजेज अफेक्ट क्वालिटी ऑफ वंस वर्क बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू रिकवर फ्रॉम द वीकनेस कॉज्ड बाय द डिजीजेज. आंसर नंबर 9, We can prevent ourselves from these diseases by following the precautionary measures, yani ehtiyati tadabeer ya iqdamat, and preventions or the strategies prescribed by the health and medical departments. Answer number 10 is,
We should seek immediate medical help and treatment to get recovered at earlier basis. एक्सरसाइज नंबर एट, ये भी स्टूडेंट बहुत डिफरेंट और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, एक टास्क है करने के लिए. यू हैव हर्ड ऑन द न्यूज़ अबाउट द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, डेंगी एंड चिकनगुनिया इन द नियर बाय विलेजेस. टेलीविजन में आपको न्यूज़ मिली है, आपने न्यूज़ सुनी है कि करीबी गांव देहातों में चिकनगुनिया और डेंगी की बीमारी, मलेरिया वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ठीक है, तो यू टॉक टू योर क्लासमेट्स एंड ऑल ऑफ यू डिसाइड टू लॉन्च अ कैंपेन इन योर एरिया to create awareness about these diseases. आपने अपने फ्रेंड से मिलकर कंसल्ट किया और आप सोच रहे हो कि अपने एरिया में लोगों को अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस के लिए हम कैंपेन स्टार्ट करें, मिलकर काम करें. तो हमने लोगों को बताना है कि इस तरह से ये बीमारी होती है, इस तरह से आपने केयर करनी है, ये एहतियाती तदाबीर एहतियात करनी है. ठीक है, तो what will you do, आप क्या करोगे? Work in groups of three, तीन स्टूडेंट का ग्रुप बनाइए. Each group should develop a flow chart of one disease. ठीक है, फ्लो चार्ट, ये जो आप नीचे पैटर्न देख रहे हो, इसी को, इस स्टाइल को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं. ठीक है, फ्लो चार्ट आपने बनाने हैं तीनों डिफरेंट, यानी एक मलेरिया पे बना लो, एक चिकनगुनिया पे और एक डेंगी पे, और इन तीनों से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने चैप्टर में पढ़े हैं, टेक्स्ट में पढ़े हैं, बहुत डिटेल से पढ़े हैं. ठीक है, जैसे मलेरिया है कॉज बाय, क्यों होता है, इसकी रीज़न एक दो लिख दें यहाँ पे, दो चार, फिर सिम्टम्स उसकी मेन में लिखें, प्रिवेंशन, उसकी केयर कैसी होती है, फिर एडवाइस, क्या आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए. एडवाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द इंस्ट्रक्टर ऑफ अल्पाइन अकेडमी.